एक और एक बूढ़ी महिला स्वस्थ और मस्त होकर अपना घर का काम करती है, वहीं दूसरी ओर उसी महिला को मृत बताया जाता है और कागजी कार्रवाई में महिला को मृत घोषित भी कर दिया जाता है। उत्तरकाशी के नौगांव विकास खंड से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया गया और उनकी 6 महीने से वृद्ध पेंशन भी रोक दी गई। और इस मामले का पता भी बड़ी अजीब तरीके से चला। दरअसल 6 महीने से बूढ़ी माँ की पेंशन न आने पर बेटा किशन परेशान हो गया, जिसके बाद किशन विभागों के चक्कर लगाने लगा। पहले वो विकासखंड कार्यालय गया, जहां उसने जानकारी मांगी, लेकिन उसे वो जानकारी नहीं मिली। उसके बाद उसने 85 किलोमीटर दूर जिला समाज कल्याण विभाग पहुंचा, जहां पहुंचकर फाइलें टटोली तो पता लगा कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की रिपोर्ट में किशन की बूढ़ी माँ को मृत घोषित किया गया है, जबकि किशन की माँ मालदेई स्वस्थ और जिंदा है और अब किशन अपनी माँ के जिंदा होने का प्रमाण जुटाने लगे हैं। विभाग की इस बड़ी लापरवाही से महिला और उनके परिजन परेशान हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने बड़कोट थाना में तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक बड़कोट गजेंद्र बहुगुणा ने बताया कि पूरे मामले की तहरीर उन्हें प्राप्त हो गई है, जिसकी जाँच चल रही है। इस संबंध में ग्राम मोल्डा से मालदेई नाम की एक महिला है, उसका एक प्रार्थना पत्र आया है और इस संबंध में उसको 6 महीने पहले जो है मृत घोषित किया गया है और उसका जो बेटा है वो थाने में प्रार्थना पत्र लेकर के आया है। उसका कहना है कि मेरी माता भी जिंदा है। इस संबंध में अभी अभी ये प्रार्थना पत्र आया है। इस संबंध में मेरे द्वारा ग्राम प्रधान और जो ब्लॉक में जो ग्राम विकास अधिकारी हैं विजय टमटा जो तत्कालीन थे, जिनके द्वारा इनको मृत घोषित किया गया है, उनको मेरे द्वारा थाने में बुलाया गया है। आज जाँच के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण सुनील रावत ने बताया कि पूरी कार्रवाई ग्राम विकास अधिकारी ने की थी। महिला को मृत घोषित करना एक कलमी भूल है, जिसमें सुधार करने की उन्होंने बात की है। हमारे सहयोगी से बात करते हुए उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है। विकासखंड नौगांव के मोल्डा गांव में एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक वृद्ध महिला को मृत दिखाया गया है। समाज कल्याण के लिए जो सत्यापन किया जाना था, उसमें ये दिखाया गया है कि उक्त महिला मृत है, जबकि जो है ये महिला बदस्तूर अपने घर में जो है सामान्य काम काज को निपटा रही है। विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि महिला किस तरीके से काम कर रही है, स्वस्थ है और अपने निजी कार्यों में व्यस्त है। ADO समाज कल्याण हमारे साथ हैं विकासखंड कार्यालय के, इनसे जानते हैं वो कौन सी त्रुटि रही जिनकी वजह से इनके द्वारा सत्यापन में ये लिखा गया कि अमुक महिला मृत है। ADO साहब, क्या कारण रहा कि ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली क्या होता है कि जब भी पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन होता है या 6 महीने में कभी होता है, तो हम जो हमारे फील्ड कर्मचारी है, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, उनको BDO साहब की तरफ से निर्देशित किया जाता है सत्यापन के लिए। जो संकलित सूचना आती है उसे हमें जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाता है। तो फिर आप दोष किसका मानते हैं कि आखिर किसकी वजह से फॉल्ट हुआ होगा? ये जो सत्यापन अधिकारी रहे हैं तो उनके द्वारा कहीं इस तरह की भूल हो गई है, तो उसी लेवल पे हैं। जो क्या इसमें सुधार हो सकता है? हाँ, सुधार अभी मामला हमने सुधार के लिए प्रेषित कर दिया गया जिला समाज कल्याण अधिकारी को और जल्दी ये निस्तारित हो जाएगा। हालांकि विभाग इसमें अपनी भूल को मान रहा है कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इश्यू रहा, जिसकी वजह से जो है जानकारी के अभाव में उक्त सूचना विभाग तक पहुंची और विभाग के द्वारा वो जो है कागजों में गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। लेकिन खामियाजा उस महिला को और महिला के परिवार को भुगतना पड़ रहा है। उनके बेटे का कहना है कि इसकी वजह से उनको उनकी मानहानि हुई है, माँ को लगातार पिछले छः महीने से जो है पेंशन नहीं मिल पा रही है। इनके बेटे यहाँ पर आए हैं, पुलिस थाने में इन्होंने जो है तहरीर दी है विभाग के खिलाफ कि आखिर क्यों ऐसा उनके साथ किया गया। थोड़ा सा किनारे आएंगे इस तरफ। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम किशन चौहान है। किशन, क्या हुआ था मामला? सर, मामला एक्चुअली ये हुआ है कि मतलब जब मैं मम्मी की पेंशन, माताजी की पेंशन अभी 6 महीने से आ नहीं रही थी, तो मतलब मैं उस प्रकरण में उत्तरकाशी गया, तो उत्तरकाशी में जब कागजी कार्रवाई मतलब ढूंढते इनको 1.5-2 घंटे हो गए, तो बाद में पता लगा कि मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान के द्वारा माता जी को मृत्यु घोषित किया गया है। तो उस मामले में मतलब हमें बड़े शर्मिंदा हुई है, मतलब प्रशासन की इतनी लापरवाही की वजह से मतलब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आंखों में आंसू, आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से इस उस वृद्ध महिला का बेटा जो है वो परेशान है। इनके द्वारा जो है विभिन्न विभागों के चक्कर लगाए गए, यहाँ से 85 किलोमीटर की दूरी पर जो है जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय जा करके निजी खर्च